बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे साउथ सिटी साहब की वो अहमदाबाद का जो अपना विजिट है वो कंप्लीट करके वापस लौट आए और बहुत से जो लोग हैं वो नाकाम हुए हैं कि साउथ सिटी साहब ने गिरफ्तार होने था, साउथ सिटी साहब की गिरफ्तारी होनी थी। अगर नाज़रीन चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते मैंने टाइम को वेस्ट किया अपने टॉपिक की तरफ। साउथ सिटी साहब के नाज़रीन आज जो विजिट था वो अहमदाबाद का विजिट था और वो अहमदाबाद में गए क्योंकि जो लंगर खाना है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के उस वहां पर जो हेड है उनके जो हेड थे उनके बेटे का क्या था आज निकाह था। अलामा साउथ सिटी साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। उसके बाद वहां पर क्या किया अलामा साउथ हुसैन रिजवी साहब ने निकाह पढ़ाने के बाद अलामा साउथ हुसैन रिजवी साहब ने जलसे से खिताब किया और उसके बाद वापस लौटे आप रावलपिंडी के अंदर। वो क्या करेंगे शाम को खिताब करेंगे और इस तरह से उनका जो खिताब होगा वो पूरी कौम सुन सकेगी और इस तरह से वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत के साथ लड़ाना चाहती है पॉलिटिकल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सुनहरियो बना हुआ है जो सिचुएशन चल रही है वो तो आपके सामने है। जबकि दूसरी तरफ से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अब मजहबी लोगों के साथ भी यानी टकराया जाए और इन कुतुब को और पाकिस्तान को मजीद जो है ना वो कमजोर किया जाए और यहाँ पर अफरा तफरी फैलाई जाए। तो उनका जो पूरा का पूरा ये प्लान था वो आज खाक में मिल गया है। उनके जो इरादे थे नापाक के इस तरह से होगा फिर गिरफ्तारी होगी या वावेला किया गया साजिशें फैलाई गई तरह तरह की जो खबरें थी वो कभी इधर से आ रही तो कभी उधर से आ रही थी। तो आज वो तमाम की तमाम जो न्यूज है वो दम तोड़ चुकी है और इस तरह से जिसने भी ये न्यूज फैलाई वो फेक फैलाई किसी की भी कोई हिम्मत या जरूरत नहीं कि वो साउथ सिटी साहब को इस मौजूदा सिचुएशन में गिरफ्तार कर सके बिना किसी वजूहात के। जो गिरफ्तार करेगा फिर वो जिम्मेदार भी होगा जवाब देने का भी। ये नाज़रीन अहमदीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।